ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲਾਲਾ ਕੋ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਲਾ ਵਾਜੋ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਲਾਲਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਲਾਲਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹਾ ਹਾਂ बहुत बहुत शुक्रिया यार घर में सब लोग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर थी बैठो मैं तुम्हारे लिए खीर लेके आता हूँ लाला मुझे जल्दी है मैंने अभी रिश्तेदार में सारे में गोश्त बांटा क्यों क्या बात है बहुत जल्दी में आवा रिश्तेदार तो तुम्हारे अच्छे खासे अमीर है वो लोग भी कुर्बानी दे रहे हैं ना हाँ दे रहे हैं लाला चलो अल्लाह खैर रखे और तुमने कितने जानवर दिए माशाल्लाह लाला दो जानवर दिए माशाल्लाह खैर रखे और तुम्हें पता है ना कुर्बानी कितने हिस्सों में तकसीम होती है हाँ लाला कैसे तुम तो रिश्तेदारों में बांटोगे और किसको बांटना है वो लाला मोहल्लेदार है वो रिश्तेदार है यार दोस्त है नहीं क्रीम नहीं कुर्बानी तीन हिस्सों में तकसीम करो एक हिस्सा तुम्हारा है एक तुम्हारे रिश्तेदार मोहल्ले वाले और दोस्त लेकिन जो तीसरा हिस्सा है वो बहुत ही जरूरी और अहम है वो हिस्सा है गरीब लोगों का गरीब लोगों को जरूर बांटना है अगर उन्हें नहीं बांटा तो फायदा क्या कुर्बानी का हम कुर्बानी करते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए अपने रिश्तेदार दोस्तों को नहीं समझ गए ना तुम हमारा मोहल्ला में तो लाला साहब आदमी कुर्बानी दे रहे तो मोहल्ले के बाहर जाके देखो शायद आज भी बहुत से लोग गरीब हैं जो कुर्बानी नहीं दे सकते हमें ये कुर्बानी का गोश्त उन तक पहुंचाना है फायदा क्या होगा अगर गरीब तक ये पहुंचाना जरा तुम भी सोचो कुर्बानी अल्लाह की राह में दी जाती है अपने रिश्तेदार दोस्तों या मोहल्ले वालों को खुश करने के लिए नहीं इस बात को समझो मेरे दोस्त और तुम लोगों को भी बताओ कि कुर्बानी के सिर्फ तीन हिस्से हैं और गरीब लोगों का हिस्सा बहुत जरूरी है समझे तुम लाला मुझे तो पता ही नहीं था मैं अभी जाता हूँ गरीबों में गोश्त बांटता हूँ बिल्कुल ठीक है तुमने बिल्कुल अच्छी बात कही है अभी जाओ और सारा गोश्त गरीबों को बांटो क्योंकि ये ईद बल्कि हर ईद गरीबों के साथ गरीब यतीम जो हमारी बेवा माँ बहने हैं उनके साथ समझे तो जाओ अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और आप सब लोग ये जो अल्लाह ताला ने आपको हर चीज से नवाजा है इस पर किसी और का कोई हक नहीं है क्या ये सब कुछ आपका है ये इज्जत ये दौलत ये शौहरत ये सब कुछ आपने अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से बनाया है तो जवाब है नहीं बिल्कुल नहीं ये सब कुछ मेरे अल्लाह का दिया हुआ है याद रखिए इस पर हर गरीब मुसलमान का हक है जो आपका भाई आपका इंतजार कर रहा है तो आइए फिर अपना हक इसी ईद से अदा करना शुरू करते हैं इस ईद पर कुर्बानी का गोश्त अपनी फ्रिज में स्टोर नहीं करेंगे बल्कि हर गरीब हर यतीम तक जाएगा अगर गरीब खुश तो अल्लाह आप पर खुश अपना हक अदा कीजिए शुक्रिया अल्लाह आपको खुश रखे हमने ये पैगाम आपको दिया है और अब आपका फर्ज है इस पैगाम को आगे तक लेके जाएं।